नमस्ते प्यारे दोस्तों, मित्रों, आज के समय में एक बीमारी बहुत तेजी से चल रही है। उस बीमारी का नाम है सर्वाइकल और स्लिप डिस्क। तो मित्रों, सर्वाइकल और स्लिप डिस्क का एक बहुत ही आसान इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, ये बायां हाथ है, बायां हाथ में ये रिंग फिंगर, बाएं हाथ की रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी पहनी जाती है। देखिए, अंगूठी पहनने का भी बहुत पुराना विज्ञान है। इसके मायने ये हैं कि ये उंगली बहुत इलाज की है पहले से, इसलिए इसमें अंगूठी पहनी जाती है। ये जो उंगली है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के आधार पर काल की उंगली है। काल यानी कि समय। जैसे किसी को हाथ दिखाते हैं तो ज्योतिषी कहता है तुम्हारे सब दिन टेढ़े चल रहे हैं, तो ये जो उंगली है समय की है, यानी कि टाइम की है। तो इस उंगली को केवल इस तरह दबाने से सर्वाइकल और स्लिप डिस्क में लाभ मिलता है। इस पूरी उंगली को दबाने ऊपर से नीचे तक, ये जो ऊपर का जोड़ है ये सर्वाइकल का है और नीचे का जोड़ है ये स्लिप डिस्क का है। देखिए यहां पर ये अच्छा, यहां पर मैग्नेट भी बांध सकते हैं, मेथी की पट्टी भी बांध सकते हैं और मूंग के दाने भी चारों तरफ बांध सकते हैं। ये सर्वाइकल के लिए और ये नीचे जो है ये स्लिप डिस्क के। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये सब क्यों होता है? जब हम समय से सोते नहीं हैं, समय से जागते नहीं हैं, समय से खाते नहीं हैं, तो टाइम डिस्टर्ब होने से ये सारी बीमारियां होती हैं। तो हमको समय से सब काम करना जरूरी है। समय के हिसाब से, जैसे कि ये जाड़े का समय है तो ब्लैक कलर खाना चाहिए, समय के हिसाब से भोजन करना चाहिए। सब्जियां भी समय के हिसाब से खानी चाहिए, गाजर है, मूली है, टमाटर है, आंवला है, गोभी है, पत्ता गोभी है, यानी कि समय के हिसाब से सब्जियां खाएं, समय के हिसाब से अन्न खाएं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, तिल है, उड़द है, और समय के हिसाब से जगे, यानी कि सुबह 6 बजे तक जग जाना चाहिए और रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। सर्वाइकल का मेन कारण ब्रेन है, यानी कि ये टाइम की जो उंगली है इसकी तुलना ब्रेन और स्पाइन से की गई है। तो सर्वाइकल और स्लिप डिस्क उन्हीं को होता है जो मानसिक टेंशन में रहते हैं, और स्लिप डिस्क भी उन्हीं को होता है। तो इस उंगली की जो तुलना की गई है वो ब्रेन और स्पाइन से की गई है। तो दोस्तों, जिनको इस बीमारी से ठीक रहना है वो इस उंगली को दबाएं और खान पान चेंज करें, अन्यथा डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहोगे, कुछ दवा खा लेंगे, पेन किलर खा लेंगे, सर्वाइकल वहीं का वहीं रहेगा। और यहाँ जो हड्डी जो बढ़ जाती है वो ब्लड सर्कुलेशन की कमी के बढ़ जाती है। तो हमको अपने भोजन में जैसे लहसुन भी खाएं समय के हिसाब से, जाड़े में थोड़ा लहसुन खा लें, अदरक भी लें। तो दोस्तों, कितना सरल उपाय बताया है मैंने सेल्फ डिस्क और सर्वाइकल का। ये बीमारी बहुत तेजी से चल रही है। देखिए, कबीरदास जी को हम गुरु मानते हैं, बुद्ध जी को हम गुरु मानते हैं, क्यों? उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, बाकी काम तो हमें स्वयं करना है। तो मित्रों, मैं आपको वो ज्ञान दे रहा हूं जो एक संत देता है, इलाज नहीं कर रहा, इलाज तो आपको स्वयं करना है। जैसे मास्टर साहब गुरुजी सूत्र बता देते हैं, सवाल तो बच्चे को ही निकालना है। तो मैं आपको सर्वाइकल और स्लिप डिस्क का
सूत्र बता रहा हूं और वो पुराना सूत्र है, अंगूठी हमेशा इसी उंगली में क्यों पहनी जाती है, यानी कि पहले से, अच्छा शादी होने पे पहनी जाती है अंगूठी, तो यानी कि शादी होती है तो बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों इस उंगली का विशेष ध्यान रखें, वन पॉइंट ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं आजकल आपको, केवल एक उंगली के द्वारा इलाज करना। तो कमर दर्द, सर्वाइकल और ब्रेन, तो तीनों का ये है। तो दोस्तों मैं जयपाल सिंह आर्य, अध्यक्ष महर्षि दयानंद चैरिटेबल जनसेवा ट्रस्ट बुलेंसर, मेरा मोबाइल नंबर 98 97 35 83 04। मित्रों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया करें, इसलिए कि मेरा ज्ञान आप तक पहुंचता रहे और मैं आपको कुछ नहीं मांग रहा, जिससे कि ये ज्ञान आप और किसी को बताएंगे, जब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी, आप अपने पड़ोसी से मित्र से बताएंगे। जय हिंद जय भारत।